नमस्कार दोस्तों, देखिए पे मैनेजर प्रोजेक्ट एक नया प्रोसेस शुरू हुआ है जिसका नाम है ई कुबेर। इसके संदर्भ पर ये वीडियो देखिए किस प्रकार से डीडीओ द्वारा इस प्रोसेस को संपादित करना है। सबसे पहले देखिए इसमें चार बातें महत्वपूर्ण है, जिसमें पहली बात देखिए डीडीओ द्वारा इन्फॉर्मेशन, डीडीओ इन्फॉर्मेशन को पहले सबसे पहले काम करना है। डीडीओ इन्फॉर्मेशन ओके हो उसके बाद में देखिए थर्ड पार्टी अकाउंट वेरिफिकेशन, थर्ड पार्टी का अकाउंट को वेरिफिकेशन करना है। तीसरी बात इसमें महत्वपूर्ण है एम्प्लॉय मोबाइल वेरिफिकेशन, सभी एम्प्लॉयज के मोबाइल वेरिफिकेशन करने हैं। उसके बाद में है एम्प्लॉयज नेम करेक्शन, जो एम्प्लॉयज हैं उनके नेम में करेक्शन करना है आपको। वो ये चार बात महत्वपूर्ण है। तो ये चारों किस प्रकार से आपको करना है वो आगे वीडियो में देखिए आप। सबसे पहले आपको देखना है डीडीओ इन्फॉर्मेशन। देखिए डीडीओ इन्फॉर्मेशन में आपको देखना है कि सबसे पहले डीडीओ इन्फॉर्मेशन आपको मास्टर में जाना है। पे मैनेजर में मास्टर में जाओगे तो मास्टर में आपको मिलेगा डीडीओ इन्फॉर्मेशन। डीडीओ इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे विंडो खुलेगी, इसमें आपको दिखेगा पे मैनेजर एम्प्लॉय। यदि आपका डीडीओ पे मैनेजर एम्प्लॉय है तो इस पर क्लिक करना है, अदर देन पे मैनेजर एम्प्लॉय। आपके पे मैनेजर पे नहीं है तो इसको क्लिक करना है आपको। इसके बाद में आपको सर्च एम्प्लॉय पे फर्स्ट कैरेक्टर टाइप करते ही आपके जो पे मैनेजर पे एम्प्लॉय है उसका नाम आ जाएगा। उसके बाद में आपको उसकी ईमेल आईडी कॉन्टैक्ट नंबर भरना है। कॉन्टैक्ट नंबर भरने के बाद में जो ओटीपी आती है उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद में सबमिट बटन पे क्लिक करते ही आपका डीडीओ इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में देखिए डीडीओ इन्फॉर्मेशन के बाद में जो दूसरा महत्वपूर्ण काम है वो है थर्ड पार्टी अकाउंट वेरिफिकेशन। देखिए आपको पे मैनेजर में दिख रहा है अदर बिल, अदर बिल में आपको जाना है एफवीसी बिल। एफवीसी बिल में आपको सीधा देखेगा थर्ड पार्टी अकाउंट वेरिफिकेशन, इस पर क्लिक करना है। थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन मोबाइल वेरिफिकेशन आपके सामने लिस्ट खुल जाएगी। थर्ड पार्टी के जो भी हैं उनकी लिस्ट पे आपको एडिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एडिट पे क्लिक करोगे तो विंडो खुलेगी जिसमें मोबाइल नंबर दिखेंगे और सेंड ओटीपी करते ही ओटीपी नंबर आएंगे, उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई पे क्लिक करते ही एम्प्लॉयज के नंबर वेरीफाई हो जाएंगे। ये थी दूसरी बात। तीसरी बात देखिए एम्प्लॉयज मोबाइल वेरिफिकेशन, एम्प्लॉयज के मोबाइल को वेरिफिकेशन कैसे करना है। इसके दो तरीके हैं, एक तो डीडीओ से होता है, दूसरा है एम्प्लॉय लॉगिन से। अब आप देखिए डीडीओ से कैसे वेरीफाई करना है। आपको सबसे पहले मास्टर पे जाना है। मास्टर पे आपको देखेगा एम्प्लॉयज मोबाइल वेरिफिकेशन, इस पर क्लिक करते ही आपको विंडो खुलेगी जिसमें एम्प्लॉयज मोबाइल वेरिफिकेशन की लिस्ट आ जाएगी। इसमें सभी वेरीफाई हो रखे हैं। यदि आपने पहले से वेरीफाई नहीं किया तो यहाँ आपके लिस्ट खुल जाएगी एम्प्लॉयज के नाम और उनके लास्ट में दिया हुआ एडिट, एडिट पे आप क्लिक करोगे तो आपके लिस्ट वो मोबाइल नंबर आ जाएंगे। मोबाइल नंबर को ओटीपी आ गई, वेरीफाई करने हैं। और सबसे इसमें इम्पोर्टेंट बात है वो है एम्प्लॉयज नेम करेक्शन। आपके एम्प्लॉयज़ के नाम के बीच में यदि कोई सिंबल है इस प्रकार का हुआ तो आपके सबके बिल रुक जाएंगे। तो सबसे पहले काम करना है आपको के मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के बाद में एम्प्लॉयज़ के नाम में करेक्शन करना। तो देखिए पे मैनेजर में आपको ऑथराइजेशन दिख रहा है, ऑथराइजेशन में आपको जाना है ई कुबेर नेम करेक्शन। ई कुबेर नेम करेक्शन पर आप क्लिक करोगे तो आपके विंडो खुलेगी जिसमें आता है एम्प्लॉयज काउंट, कितने एम्प्लॉय है जिनके नाम में करेक्शन करना बाकी है। यहाँ जीरो दिखा रहा है तो आपको यहाँ जिसके भी बाकी है तो वहाँ संख्या दिखेगी। तो उस पर क्लिक करते ही जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके लिस्ट खुल जाएगी। तो यहाँ जीरो है, यदि आपके बाकी हैं बकाया हैं तो यहाँ लिस्ट खुल जाएगी। तो उसमें आपको एक एक एम्प्लॉयज के एडिट करने हैं। एडिट करके जैसे नाम है उसमें जो भी करेक्शन है करने के बाद में आपको फाइनल सबमिट करना है। ठीक इसी प्रकार और भी वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।